कल फिर से एक बार केरला के विषय पे जिष्णु जैसे एक युवा स्टूडेंट ने सुसाइड की थी उसके विषय पे यहाँ के लोगों ने विषय निकाला, लेकिन ये जिष्णु की कहानी है। जिस प्रकार से उसके माँ को तकलीफ दी वहां के सिंडिकेट ने, मैं तो कहती हूँ ये सीपीएम का स्पॉन्सर्ड टेररिज्म केरला में हो रहा है। और केरला में सिर्फ स्टूडेंट भी नहीं है, स्टूडेंट के साथ सारे कार्यकर्ता, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उन पे हर वक्त हमला किया जा रहा है। ये लोग सीपीएम के लोग महिलाओं को भी छोड़ते नहीं है। हमारे कार्यकर्ता की महिला, उसकी पत्नी को जिंदा जलाया गया है और केसेस भी नहीं हुए। आज जिष्णु की बात करते हैं, हमें इंटॉलरेंस सिखाते हैं, सीपीएम की स्टूडेंट विंग हमें इंटॉलरेंस सिखाती है, लेकिन इंटॉलरेंस सिर्फ आजादी पे नहीं होती है। तो अपने सीपीएम के रूल स्टेट पे टॉलरेंस दिखाइए, फिर इंटॉलरेंस की बात करिए। कल वहाँ पे मैडम कल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने हर किसी को संविधान में आई हैव राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रिवेंट, आई कैन से नो टू माई चीफ मिनिस्टर। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभिलाष थे और आज हमारे प्रकाश बाबू, उनको पुलिस ने इतना मारा और वो सीपीएम के कार्यकर्ता और पुलिस का सिंडिकेट है, साथ में मिलके मारा, आज वो आईसीयू में है मैडम। एक भी केसेस नहीं होती, दलितों पे एट्रोसिटी होती है केरला में हर वक्त ये किया जाता है और आप विचारों पे बोले जाते हैं। आप सिर्फ जिष्णु की बात करते हैं, ऐसे कई स्टूडेंट है, वो लॉ स्टूडेंट है, सब जगह के स्टूडेंट है, उन लोग पे मैडम इट्स सीपीएम रूल स्टेट टेररिज्म। पुलिस एंड सीपीएम रूल स्टेट आर टुगेदर एज अ सिंडिकेट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, अगेंस्ट आरएसएस, अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी। आपकी पीस मूवमेंट 2016 में सरकार के साथ हुई थी, 9 हमारे कार्यकर्ता मारे गए थे। पीस टॉक के बाद हुई मैडम, 4 कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने मारा है, क्यों हम चुप रहे? यहाँ पे इंटॉलरेंस नहीं देखी जाती? आज हमें उसका उत्तर चाहिए। मैं आपके सामने मैडम, मैं चाहती हूँ कि आप और कुछ एमपी आपके अध्यक्षता के साथ कुछ एमपी केरला हमारे साथ चले और आप देखिए क्या परिस्थिति में वहाँ पे दूसरे पॉलिटिकल विंग के कार्यकर्ता सफर कर रहे हैं। आप हमें ले जाइए और वहाँ पे दिखाइए। ये सिंडिकेट बंद होना चाहिए, सिर्फ अपनी विचारधारा। जेएनयू के कैंपस में ये लोग कहेंगे आजादी चाहिए, सरकार तो बर्खास्त होनी चाहिए, आप बर्खास्त करा देंगे। आजादी की बात वहाँ करते हैं, देश को आजाद कराना चाहते हैं, देश को टुकड़े बनाना चाहते हैं, लेकिन केरला में विचारों में नहीं होता है। हमारे कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, उनको मारा डाला जाता है। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।